या मेरे मौला, या फीस फोन भी नहीं उठा रहा है, तो इसे समझाऊं कैसे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इस तरह हफीज ने कायनात को घर से भगाकर कायनात से शादी कर ली तो कायनात की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अख्तर खानदान की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी आप किस मिट्टी की बनी है? मैंने, मेरे परिवार ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आपको हमारी इतनी फिक्र है। ये तो करता है कि इन हाथों को काट के फेंक दो जिन हाथों से आपको मारने के बारे में सोचा मैंने, आंखों को नोच के बाहर फेंक दो। उनसे मैंने आपको गुस्से से देखा, हम लोग आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है भाभी। ऐसा नहीं कहते रोहन, और वो घर सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है बल्कि हमारा है, और भले ही घर वालों ने मेरे साथ वफा ना की हो मगर मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूल सकती। इंसान छत से गिर जाए वो बेहतर है, मगर उसे कभी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। अगर मैंने भी वही किया जो घर वालों ने मेरे साथ किया तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी ना। हमने आप लोगों को बहुत सताया है, आपके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी आपका मेरी कसम है, आप प्लीज मुझे मार दीजिए। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना भाभी, उसके बाद मेरी जीने की तमन्ना खत्म हो गई है भाभी, नहीं जीना चाहता मैं। रोहन ऐसा नहीं बोलता, जिंदगी खुदा की दी हुई अजीम नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे यकीन था कि मेरा रोहन एक दिन सही रास्ते पे जरूर आएगा, और तुम आ गए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और तुम गलत नहीं थे रोहन, बस हालात गलत थे, मेरी किस्मत में ही खोट है। तुम तो सही राह पर चल पड़े मगर मेरा भाई हफीज अब गलत राह पर चल पड़ा। कैसे रोकूं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी मुझे लगता है कि इस मामले में हमें हैदर भाई की मदद लेनी चाहिए, वो ढूंढ निकालेंगे कि हफीज और कायनात कहाँ हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें हैदर की मदद लेनी होगी, मैं फोन करती हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, फोन उठा। 15 बार मैंने हफीज का फोन ट्राई किया है लेकिन फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। कैसे उठाएगा हैदर? दुआबाजी ने मना किया होगा कि जब तक निकाह ना हो जाए तब तक फोन ना उठाए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि दुआ ने कायनात को भागने में मजबूर किया था? अगर ऐसा है तो दुआ को तो पता होगा कि कायनात और हफीज का है। मैं दुआ से ही बात करता हूं। दुआ हैदर को बता देगी कि सबके पीछे उसका हाथ नहीं है। नहीं 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 नहीं, हैदर को रोकना होगा, नहीं तो खेल उल्टा पड़ जाएगा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।